हेलो, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे आप लोग? सब ठीक होंगे, अच्छे से होंगे। जो लोग सऊदी अरब में मौजूद है, चाहे वो इंडियन, पाकिस्तानी, बंगाली, नेपाली, जो भी है, ये सब लोगों के लिए एक लेटेस्ट न्यूज़ आई है मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर की तरफ से, यानी वजारत दाखलिया के तरफ से ये एक खुशखबरी आई है। यानी कि ये न्यूज़ जो है हिंदी में दिया गया है, ये सबके लिए है जिसको कोरोना का कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत भी अगर इन्फेक्शन महसूस हो रहा है तो उनके लिए ही है। चलिए आगे बताता हूँ मैं आपको क्या करना है और कैसे करना है, क्या नहीं, उसके लिए आपको छोटी सी वीडियो देखनी पड़ेगी। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी गुजारिश है, अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो वो लाल वाले बटन को दबा करके सब्सक्राइब कर लीजिए और वो बाजू वाले बेल आइकन को भी दबा लीजिए, आपकी मेहरबानी होगी। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। पहले मैं एक छोटा सा हिंदी में दिया गया है वो पढ़ता हूं, उसके बाद आपको वीडियो बताता हूं। जब भी आपको कोरोना के लक्षणों का महसूस होता है, बुखार, सांस लेने में तकलीफ या खांसी, तो बेझिझक सबसे करीबी के मेडिकल अस्पताल को जाएं, चाहे सरकारी हो या निजी रहो, और मुफ्त का इलाज पाए। मुफ्त में इलाज होने वाला है। किसी को भी अगर लक्षण होते हैं कोरोना के तो सऊदी अरब में, ठीक है ना, सऊदी अरब में, इसके लिए आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, वो आपको वीडियो में सुनने को मिलेगा। इकामा लाने की ज़रूरत नहीं है और कानून तोड़ने वालों को कोई सज़ा नहीं दी जाएगी। तो अभी आप वीडियो देख लीजिएगा, उसके बाद बात करते हैं। यह वीडियो जो है हिंदी में रिलीज किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के तरफ से, यानी मिनिस्ट्री ऑफ दाखलिया सऊदी के अंदर के लिए, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर बोले तो सऊदी के अंदर का पूरा मामला संभालते हैं ये लोग, ठीक है ना। तो चलिए वीडियो देखिएगा। जब आपको कोरोना के लक्षण महसूस हो या कोई निशानी जाहिर हो, जैसे तेज बुखार या सांस लेने में कोई तकलीफ या खांसी, तो फिर इलाज के लिए जल्दी से निकटतम सरकारी या निजी अस्पताल में जाएं। निवास की अनुमति की आवश्यकता नहीं है। यदि इकामे की कोई आवश्यकता नहीं है, ऐसी स्थिति में अगर किसी व्यक्ति से किसी सरकारी व्यवस्था का उल्लंघन हो जाता है तो कोई दंड भी नहीं है। हम सभी की जिम्मेदारी है। हाँ जी, तो दोस्तों आपने वीडियो देख लिया ही होगा। वीडियो देखने के बाद आपको क्या महसूस हो रहा है? आपको ये महसूस हो रहा होगा, ठीक है भाई, अगर हमको थोड़ी बहुत तकलीफ होती है तो हम हॉस्पिटल में जाएंगे और बता लेंगे। अगर आपको खुदा ना खास्ता कोई रोकता है, या अगर हॉस्पिटल में आपको अगर मना करता है या खामा मांगता है या पैसा मांगता है, तो आप उनको ये वीडियो बता सकते हैं, ठीक है ना। ये वीडियो बता दीजिएगा, जितना वीडियो ये मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर की तरफ से जो आपने देखा है, उतना वीडियो उनको बता दीजिए, उनको समझ जाएंगे। सिर्फ लोगो देखेंगे मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर का तो समझ जाएंगे वो लोग, क्योंकि ये एक लैंग्वेज में नहीं, हर लैंग्वेज में, जितने लैंग्वेज के यहाँ सऊदी अरब में मौजूद है लोग, वो सबके लिए ये वीडियो रिलीज किया गया है। तो मैं जो है हमारे उर्दू हिंदी समझने वाले पाकिस्तानी, बंगाली, अफगानिस्तान, सॉरी इंडियन और नेपाल के लोग समझते हैं, इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों तो लाइक कर देना, ठीक है ना। अगर आपके आजू बाजू आसपास आपके कोई दोस्त वगैरह भी होते, अगर आप चाहे गैर इंडिया से, पाकिस्तान से, जहां से भी देख रहे हैं आप, तो आप अपने जो भी रिश्तेदार जो भी अपने सऊदी अरब में मौजूद है उनको ये वीडियो शेयर कर दीजिए, ताकि वो लोगों को आसानी हो और कोई बीमार होने से बच जाए, किसी को कोरोना लगने से बच जाए। आप लोगों की बड़ी मेहरबानी होगी, ठीक है ना। चलिए इस वीडियो में इतना, इंशाल्लाह फिर मिलते हैं आपके साथ अगली वीडियो में। जब तक के लिए ख्याल रखिए अपना, मां सलामा, घर में रहिए, बाहर मत निकलिए, अगर घर में रहते हैं तो सेफ रहेंगे, ठीक है ना। क्योंकि सऊदी अरब में नंबर बढ़ते जा रहे हैं, ये नंबर बढ़ने से बहुत खतरा, वो बोलते हैं ना, खतरा बढ़ रहा है, ठीक है। चलिए फिर, मां सलामा दोस्तों। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ट्विटर वाले लिंक पे भी फॉलो कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसे ही नए नए अखबार यानी नए नए खबर देते रहते हैं, जो भी सऊदी अरब में नए नए अपडेट्स आते हैं उसके लिए। अगर आपको झूठ लगता है तो आप जाकर के ट्विटर में चेक कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, जजाकल्लाह खैरन, घर में रहिए, सेफ रहिएगा, मां सलामा, शुक्रन फिर से।